नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें, और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। सावन माह के दूसरे सोमवार को भी 84 घंटा मंदिर पर शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। वहां पहुंचकर जल अभिषेक किया गया। सोमवार को कम संख्या में पहुंचे शिव भक्त, क्योंकि कल मंगलवार को शिवरात्रि है। कल भी शिव भक्त जल अभिषेक करेंगे। सावन माह के दूसरे सोमवार को भी पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। SDM निखिल यादव, SHO थाना नागफनी सुबह से ही मंदिर और सड़क का जायजा ले रहे हैं। SDM निखिल यादव ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कमी नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने दिया तबादला नीति को लेकर CMO ऑफिस पर धरना। एक दिवसीय धरने में मौजूद रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने ग्राम रुस्तमपुर तिगड़ी में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाने की उठाई मांग। जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी को संयुक्त रूप से सौंपा ज्ञापन। दबंग भूमाफियाओं से क्षेत्र के सीधे साधे ग्रामीण भी हैं परेशान। मुरादाबाद में एडिट खत्री क्लब द्वारा तीज उत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्लब के सदस्यों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए जागरूकता के संदेश। क्लब के अध्यक्ष ने कहा, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है एडिट खत्री क्लब। हर पर्व मिलजुल कर मनाने के संदेश देते हैं हम। मुरादाबाद जिले में एक खास प्रकार की मछली पकड़ने और उसे बेचने के मामले में DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने 30 सितंबर तक पूर्णतः लगाई रोक, जिसमें पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। आदेश में कहा है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अंगुलिका आकार की मछली कोई नहीं पकड़ेगा। ये आदेश उन सभी तालाबों, जलाशयों, नदियों की समस्त जलधाराओं पर प्रभावी होने हैं जो मुरादाबाद जनपद की सीमा में हैं। जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान फिर सुचारू तरीके से प्रारंभ हो गया। सोमवार को 200 केंद्रों पर कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। कोविशील्ड, कोवैक्सीन व कॉर्बीवैक्स का टीका सभी केंद्रों पर लोगों को लगाया गया। उप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि सभी प्रमुख केंद्रों पर टीका लगाने के साथ ही क्लस्टर टीकाकरण भी आंशिक रूप से दोबारा प्रारंभ कर दिया गया है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने चाइनीज मांझे पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की उठाई मांग। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, चाइनीज मांझा आमजन के साथ साथ पक्षियों की जान के लिए भी बन गया है खतरा। तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने की उठाई मांग। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर इकट्ठा किए जाने का कार्य 1 अगस्त से किया जाएगा प्रारंभ। 7 अगस्त एवं 21 अगस्त को चलाया जाएगा विशेष अभियान। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने दी जानकारी। मतदाताओं से मांगा सहयोग। मुरादाबाद में भगतपुर थाना क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर संचालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मेडिकल स्टोर संचालक नग्न अवस्था में नजर आ रहा है, जिसे कुछ लोग पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर संचालक को एक महिला के साथ रंगरलिया मनाते नग्न अवस्था में पकड़ा गया था।